नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव जब से सरकार में आए हैं तब से ललन सिंह सुपर सीएम हो चुके हैं, यानी चर्चा है कि नीतीश नहीं ललन सिंह ही सरकार को चला रहे हैं। हालांकि अब अंदर की बात क्या है, लेकिन ललन सिंह और सुशील मोदी के बीच नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं। दरअसल सुशील मोदी पर ललन सिंह लगातार हमलावर रह रहे हैं। सुशील मोदी ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद ललन सिंह के बयानों को हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सुशील कुमार मोदी ने लिखा है कि बिहार में जो जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह सहित अपनी पार्टी के तीन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित कर पार्टी से बाहर निकालने वाले नीतीश कुमार और उनके बंगला खाली कराए गए। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा तो माफी मांग कर पार्टी में लौटे हैं। उन्होंने कहा कि जो अपनी है उस पार्टी के बड़े नेताओं का सम्मान देकर एकजुटता नहीं रख सके, वे गुलदस्ता भेंट कर कितने विपक्षी नेताओं को जोड़ पाएंगे। उनका दिल्ली मिशन केवल फोटो सेशन है। उन्होंने इस बात का जिक्र इसलिए किया है कि जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव सहित जो तमाम नेता हैं वो कभी ना कभी नीतीश कुमार के साथ काफी करीब से जुड़े हैं जनता दल यूनाइटेड में या उसके पहले जो पार्टी थी। तो अब ललन सिंह पर भी कहीं ना कहीं तीखी टिप्पणी की गई है सुशील मोदी के द्वारा और कहा गया है कि जो हाल उन तीनों का हुआ वही हाल अब बिहार के तत्कालीन जो नेता लोग हैं, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, इनका होगा। तो सुशील मोदी को लेकर ललन सिंह ने ट्वीट किया है और संवेदना व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि सुशील जी, आपकी वेदना इसमें साफ झलक रही है। आपसे ज्यादा अपमानित भला कौन हुआ है? आपने तो अपने अपमान का घुट भी पिया है। खैर, हम लोग की सहानुभूति आपके साथ है। अगर आपको कुछ मिल जाता है तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। ललन सिंह के इस ट्वीट का जवाब सुशील मोदी ने भी दे दिया है। दरअसल ललन सिंह ने इस ट्वीट को सुबह किया, उसके पहले सुशील मोदी ने ट्वीट किया था और अब सुशील मोदी का भी बयान आ चुका है। यानी तीनों बयान को हम आपको अब बता देते हैं। सुशील मोदी ने शरद यादव और बाकी तमाम जो नेता हैं जो जनता दल यूनाइटेड से बाहर गए, नीतीश कुमार ने बाहर किया, उनमें संवेदना व्यक्त की और कहा कि ऐसा हाल ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ललन सिंह ने कहा है कि ये सारे जो मसले हैं आपके साथ भी हुए हैं तो इसकी संवेदना आपके साथ है। और अब सुशील मोदी ने जो बयान दिया है वो बयान ये है कि हमें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, हमने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दे, बस यही हमारी सहानुभूति है। सुशील मोदी ने राजद नेताओं पर आज एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है और पिछले दिनों जो मामला घटा बिहार में, एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जंगल राज पार्ट 3 की बात कही जा रही थी तो उसको लेकर अब सुशील मोदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सारे सबूत को दिया है और बताया है कि कैसे राजद के नेता रंगदारी मांग रहे हैं, कैसे राजद के नेता जो गलत काम में संलिप्त हैं। तो तेजस्वी को जवाब देना चाहिए और उन्हीं बयानों को लेकर अब एक बार फिर से राजद पर सुशील मोदी हमलावर हैं। ऐसे में सुशील मोदी को लेकर अब ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है और संवेदना भी प्रकट की है, जो हमने आपको बताया कि कैसे ये ट्वीट का जो सिलसिला है लगातार चलता जा रहा है। तीन ट्वीट आ चुके हैं और अब अंतिम ट्वीट या यूं कह सकते हैं सुशील मोदी के जवाब में ललन सिंह का ट्वीट आना बाकी है। इंतजार कीजिए, ललन सिंह जब भी ट्वीट करेंगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।